कुरुक्षेत्र पुलिस ने नशे के खिलाफ अपने अभियान में तेजी लाते हुए करीब 200 किलो चूरा पोस्त के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि बाप बेटा दोनों आरोपी महंगी कारों में नशीले पदार्थ की तस्करी किया करते थे, ताकि आसानी से पुलिस को इन पर शक ना हो। पुलिस ने जो चूरा पोस्त बरामद की है, यह चूरा पोस्त भी आरोपी इन्हीं गाड़ियों में मध्य प्रदेश से लेकर आए थे। इसी बीच पुलिस ने एक फॉर्च्यूनर और एक वरना गाड़ी भी इन आरोपियों से बरामद की है। इसके संबंध में कुरुक्षेत्र के एसपी जशनदीप सिंह रंधावा ने विस्तार से जानकारी दी। कुरुक्षेत्र पुलिस द्वारा एक नशे के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, उसी के अंदर एक हमारी जो CIA 1 की टीम है, उसको एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पिछले 9 जुलाई को एक महीने का पखवाड़ा जो SP ऑफिस द्वारा पूरे जिले के अंदर नशे के विरुद्ध चलाया गया था, और उसी के अंदर हमारा मेन फोकस था कि हम मैक्सिमम जो तस्कर हैं उनके खिलाफ, जो बड़े तस्कर हैं उनके खिलाफ, जो कमर्शियल क्वांटिटी का काम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, और साथ ही उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं जो उन्होंने ये तस्करी के थ्रू बना रखी हैं उनको अटैच करवाया जाए, और अगर कोई इलीगली कोई उन्होंने कंस्ट्रक्शंस कर रखी हैं तो उसके खिलाफ विधि पूर्वक डेमोलिशन करवाया जाए या सील करवाया जाए। तो उसी के अंदर हमारी जो CIA 1 की टीम है, इंस्पेक्टर सुरेंद्र के नेतृत्व में, इनके पास एक सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ डेरा पीपली अधोया जिला कुरुक्षेत्र के दो बाप बेटा थे, जो कि बड़े स्तर के ऊपर डोडा पोस्त का काम कर रहे थे, और इनके पास जो सूचना थी कि वो हाल ही में मध्य प्रदेश से एक बड़ी नशे की खेप लेकर आए हैं और आगे उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इसी इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करते हुए जब उनके घर पे रेड करके चेक किया गया, तो उसी दौरान उसके मौके से हरजिंदर सिंह, जो कि पुत्र अजीत सिंह वासियान डेरा पीपली प्लाट अधोया जिला कुरुक्षेत्र, उसको अरेस्ट किया गया, और उसके घर के ऊपर जो दो गाड़ियां थी उसके आंगन में जो लग रखी थी, HR 26 BC 0075, जो कि एक फॉर्च्यूनर गाड़ी है, और दूसरी एक DL 5 CP 7328, जो एक वरना गाड़ी है, जब उनकी विधि पूर्वक चेकिंग की गई तो उसके अंदर से डोडा पोस्त की भारी मात्रा की एक खेप मिली, जो कि कुल मिला के 223 किलोग्राम डोडा पोस्त की उनके घर से रिकवरी की गई। और उसके जो प्रिलिमिनरी हमने उससे पूछताछ किया, इसमें उसका जो बाप है सतवीर, वो भी इसमें साथ इसके इन्वॉल्व है, और वो अभी एब्सकॉन्डिंग है, और हमारी तरफ से प्रयास चल रहे हैं कि उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए, और ताकि पूरी जो इसकी चेन है, पूरा जो सोर्स है, और जिस जिसको आगे ये बेचते थे उन सब के ऊपर नकेल कसी जा सके। इसी के साथ ही इसकी जब पूछताछ की गई और इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड पता करवाया गया, उसमें यह भी पता लगा कि ये काफ़ी टाइम से डोडा पोस्त की स्मगलिंग और ये जो बिक्री है ये कर रहा था, और इसके ऊपर पहले भी राजस्थान के अंदर भी एक 49 किलोग्राम्स डोडा पोस्त का भुक्की का केस दर्ज है, और इसी तरीके से हिसार के अंदर भी इसके ऊपर एक बड़ी खेप का केस दर्ज है। बाकी अभी उसके अलावा जो अन्य उसका रिकॉर्ड है वो अभी हम खंगाल रहे हैं, और हो सकता है इसके अलावा भी इसके ऊपर कोई और अन्य केसेस भी दर्ज हों। हाँ जी, ये जो गाड़ियां थी स्पेसिफिकली इसने इसी काम के लिए रखी हुई थी, और मतलब कि ये गाड़ियों को भी चेंज करता रहता था, और हाल में ये जो दोनों गाड़ियां हैं इन्हीं को ये यूज कर रहा था, और उन्हीं के अंदर से ही सामान मिला है। गाड़ियां जो हैं ये अभी हम उनका रिकॉर्ड वेरीफाई करवा रहे हैं, लेकिन जो गाड़ियां हैं अभी वो इसने जैसे खरीद रखी हैं, लेकिन अभी हाल में अभी इसने अपने नाम नहीं करा। हाँ जी बिल्कुल, उसमें NDPS के अंदर बिल्कुल साथ में ही वो भी सीज की जाएंगी।
हाँ बिल्कुल, जैसे अब आज पेश करके इसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा तो इसमें जो अन्य और आरोपी हैं, चाहे वो सप्लाई साइट से हैं जहाँ से ये सोर्स से सामान आ रहा था मध्य प्रदेश से, और यहाँ पे लोकली किस किस के ये फर्दर भेज रहा था, वो सारी जो कड़ी है उसको पूरा वेरीफाई किया जाएगा और आगे उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। दूसरी से बात कर लेना, हाँ उसको भी साथ कर सकते हैं। हाँ जी आम जन से कोई अपील कर लो सर, उसी किसी को पता हो बताना। हाँ बिल्कुल, वो भी